मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, नवीं 11वीं की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की अपडेट को पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ऑल पर कीजिए, जिससे आपको दोस्तों जब भी इसी प्रकार की न्यू अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों कि एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 मध्य प्रदेश में कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने 9वीं 11वीं की परीक्षाएं निरस्त कर दी है। इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया गया है दोस्तों। पूरा आदेश भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है। अब 9वीं और 11वीं की 9वीं और 11वीं के जो विद्यार्थी हैं उनका मूल्यांकन रिविजन टेस्ट के जरिए किया जाएगा। ये मूल्यांकन 6 मई परीक्षा के आधार पर होगा, इसी आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। दोस्तों आपने जो रिविजन टेस्ट दिया था उसके आधार पर और आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी उसके आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा दोस्तों। और आपकी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। जो अभी हाल ही में आपकी जो परीक्षा होनी थी और चल रही थी उन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है दोस्तों, और उसके लिए आदेश भी आ चुका है। ठीक है, चलिए और महत्वपूर्ण जानकारी आगे मैं दे देता हूँ। इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग का आदेश, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कोरोना के कारण 9वीं 11वीं की परीक्षाएं निरस्त की जाती है और इन कक्षाओं के परीक्षार्थियों को मूल्यांकन 6 मई के आधार पर किया जाएगा, जिसके आधार पर ही रिजल्ट तैयार होगा। मतलब इसी आधार पर आपका रिजल्ट तैयार होगा। ये देखिएगा यहाँ पर संपूर्ण जानकारी है और मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ यहाँ पर क्या कहा है कि कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू, मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगा है, ऐसे में यहाँ परीक्षाएं कराना संभव नहीं था, जिसके बाद 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं निरस्त करने का निर्णय लिया गया। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार परीक्षा परिणामों की गणना होगी बेस्ट ऑफ 5 के तहत किया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी 6 विषय में से 5 विषय में पास हो जाता है तो उसे पास घोषित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 6 सब्जेक्ट में से यदि दोस्तों आप 5 सब्जेक्ट में पास होते हैं, मतलब 9वीं की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, मतलब आपके जो 11वीं में तो 5 होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको 4 सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा रहेगा तो बेस्ट ऑफ 5 रहेगा दोस्तों। यदि आप 5 सब्जेक्ट में पास होते हैं, 1 सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो भी आपको पास माना जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। और देखिएगा, सभी राज्यों की बोर्ड परीक्षाएँ, प्रतियोगी परीक्षाएँ, उनकी तैयारी और जॉब्स कैरियर से जुड़े, ठीक है, तो ये तो इसके लिए तो आपको, ठीक है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो छोड़ दीजिए, ये आपके लिए नहीं है। तो ये जो आपके लिए तो जो महत्वपूर्ण खबर थी वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए और जो ऑफिशियल लेटर आया है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऑफिशियल लेटर देख लेना, यहाँ पर पूरा बताऊँगा दोस्तों। देखिएगा ये लेटर, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, 16 तारीख की न्यूज है दोस्तों, ये लिखा है यहाँ पर 16/4/21, कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश, जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश। ये दोस्तों देखिएगा यहाँ पर, शासकीय शालाओं में कक्षा 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं को निरस्त कर अकादमिक सत्र में पूर्व में लिए गए टेस्ट के आधार पर मूल्यांकन करने में सहायक। ठीक है, मतलब जो आपके टेस्ट हो चुके हैं पहले उसी के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, और ये जो आपकी महत्वपूर्ण खबर थी दोस्तों पूरा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक बार फिर कि कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षाएं वार्षिक परीक्षाओं के लिए आयुक्त लोक शिक्षण के, ये तो पत्र क्रमांक है, ठीक है, देख लीजिएगा, और 9वीं 10वीं, तो ये पूरा निर्देश जो मैंने आपको पहले बताया पूरा का पूरा वैसा ही है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों आपकी जो परीक्षाएँ थी उनको स्थगित कर दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पर क्या लिखा है देखिएगा कि विभाग द्वारा 20 नवंबर से 28 नवंबर तक लिए गए रिविजन टेस्ट और 1 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा में से विद्यार्थियों द्वारा जिसमें बेहतर अंक प्राप्त किए हों उनके आधार पर कक्षा 9वीं और 11वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ 5 रहेगा, बता दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, 1 से अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों के लिए कृपांक के रूप में अधिकतम 10 अंक प्रदान किए जा सकेंगे। कृपांक के
अधिकतम 10 अंक आवश्यकता अनुसार एक से अधिक विषयों में आवंटित किए जा सकेंगे। ठीक है, मतलब 10 अंक आपको, यदि कोई विद्यार्थी पास होने में 10 अंक चाह रहे हैं तो वो 10 अंक भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज़ को प्राप्त करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।